हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। गाइज, इस बार नेटेसी गेम ने तो कमाल ही कर दिया। अगर आपको मालूम होगा तो उनकी एक गेम आ रही थी जिसका नाम था लॉस्ट लाइट, और ये जो गेम है ना, ये टैप टैप पर काफ़ी दिनों से अवेलेबल है। मतलब इसका जो बीटा वर्जन है वो वहाँ पर काफ़ी दिनों से अवेलेबल है। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जो गेम है कभी इंडिया में रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी गेम नेटेसी की तरफ से आई हुई है वो इंडिया में नहीं आई, वो अदर कंट्रीज में है बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली ये जो लॉस्ट लाइट है गाइज, इसको अभी इंडिया में भी रिलीज़ कर दिया गया है। इंडिया में नहीं, ये जो गेम है ना, ये ग्लोबल लेवल पे लॉन्च हुई है, तो आप किसी भी कंट्री से हो वहां से इस वाली गेम को एक्सेस कर सकती हो। तो फिलहाल मैंने गेम को डाउनलोड कर लिया है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी गेम को टेस्ट करने वाले हैं कि गेम के ग्राफिक्स कैसे हैं, और ये जो गेम है गाइस ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं हटके है। मतलब आपने बैटल रॉयल गेम खेली है, सर्वाइवल गेम खेली है, बट ऐसी गेम मुझे लगता कि आपने कोई खेली होगी। तो ये जो गेम है गाइस ना, ऑफिशियल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, तो जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर बात करें गेम की फाइल साइज की, तो ये जो गेम है भाई काफी ज्यादा हैवी है। मींस जिनके पास एक लो एंड डिवाइस है वो तो अपने फोन पर इस गेम को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरी गेम को डाउनलोड करोगे तो 2 GB के आसपास गेम डाउनलोड होती है। उसके बाद इन गेम कुछ रिसोर्सेस हैं जिनको डाउनलोड करने में आपको 300-400 MB एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब टोटली ये मान के चलो 2.5 GB के अंदर पूरी गेम डाउनलोड होती है। तो मैंने गेम को डाउनलोड कर लिया है। आज की इस वाली वीडियो में इसी गेम को हम टेस्ट करने वाले हैं कि गेम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, ग्राफिक्स कैसे हैं। तो अभी जो है मैं अपने फोन पर गेम को ओपन कर लेता हूं। तो फाइनली मैंने गेम को ओपन कर लिया है। तो गाइस देखो, जब आप गेम को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ तो ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अपना एक कैरेक्टर चूज करना होगा, जो कि हर एक गेम में होता ही है। तो यहां पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी आप एक करेक्टर चूज कर लेना। बाकी आप कोई इन गेम नेम भी रख लेना, जो भी आपको इन गेम नेम रखना है। उसके बाद जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए, सिंपली आपको यहाँ इंटर सेल्टर पर क्लिक करना है, एंड बूम, जो आपकी गेम होगी गाइज वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक कट सीन है जहाँ पर एक तो कोई चूहा है, ओके, यहाँ पर एक करेक्टर है जो कि हाथ में बंदूक लिए है, और ये आई थिंक किसी को ढूंढ रहा है ना। तो यस, यहाँ पर कुछ मेडिसिन है जो कि ये जो कैरेक्टर है वो अपने पास रख रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ हलचल भी हो रही है, इसका मतलब कुछ लोग तो यहाँ पर और हैं। पहले तो आप इस वाली कटसीन को एंजॉय करो और देखते हैं कि इस वाली कटसीन के थ्रू हमें समझाना क्या चाहते हैं ये लोग। वैसे तो गाइस कट सीन में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर में ये हमें समझाना क्या चाहते थे। तो फिलहाल हमारी गेम लोडिंग ले रही है, हो सकता है कि इसके बाद जो हमारा मैच है वो स्टार्ट हो जाए। करते हैं उसको जो है हम कंफर्म। ओके, अब यहाँ पर जो है आ गए हैं गाइस अपने हम मेन सेल्टर में। तो यहाँ पर कुछ तो सीजन वगैरह, इसको करते हैं कट, यहाँ से स्किप करते हैं इसको, एक सेकंड। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं गाइस गेम के अंदर, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम गेम को ओपन करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि गेम में करना क्या है। मैं देखो, ये जो गेम है गाइस ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरह की गेम खेल रहे होंगे उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो फिलहाल ये जो है हमारा एक समझ लो कि मेन सेल्टर है, जहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें रखी होंगी। तो यह हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर बैठा हुआ था, एंड ये जो हमारा मेन सेल्टर है, समझ लो कि ये हमारी मेन लॉबी है। जो मेन लॉबी है ना, यहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे कि आपने बैटल रॉयल गेम खेली होंगी तो आपकी जो इन्वेंटरी होती है उसका अलग ऑप्शन होता है, आपके जो आउटफिट्स होते हैं उसका अलग ऑप्शन होता है, बट जो हमारा कैरेक्टर होता है ना वो एक जगह पर रहता है, हमें क्लिक करके आगे जाना होता है। मतलब जो भी चीज़ें हमें इक्विप वगैरह करनी है, राइट। बट इस वाली गेम के अंदर ऐसा नहीं है, जो आपकी मेन लॉबी है उसके अंदर भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे कि आपने कौन सी चीजें कहां पर रखी है। जैसे कि ये मेरा सेल्टर है, इस साइड देखोगे तो यहां पर जो है गेम का मैप है, इस साइड जो है ब्लैक मार्केट है, और इधर रहोगे तो यहां पर जो है आप गन वगैरह को मॉडिफाई कर पाओगे कि आपको गन के अंदर सप्रेसर लगाना है, कंप्रेसर लगाना है। मतलब टोटली आप अपनी जो भी वेपन है उसको आप यहाँ पर मॉडिफाई कर पाओगे। यहाँ पर एक्सचेंज है, और इस साइड आओगे गाइस तो यहाँ पर एक अलमारी है जो कि आपका स्टोरेज है।
मतलब जो भी लोड करोगे आप गेम के अंदर ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख पाओगे। जैसे कि आप स्टोरेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर देख पाओगे कि आपने क्या क्या लूटा हुआ है और इस स्टोरेज में आपने क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसा कुछ तो गाइस फीचर है गेम के अंदर। और इस साइड आओगे तो यहाँ पर जो भी आपकी आउटफिट है, आपको पता ही होगा कि जो भी बैटल रॉयल गेम होती है उसके अंदर भी आपको ढेर सारी आउटफिट मिलती हैं, बट उसका एक अलग सेक्शन होता है ना। यहाँ पर जो है गाइस उसका जो फीचर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब आप खुद से एक्सप्लोर कर पाओगे। यहाँ पर जो है आपको आलमारी मिलेंगी, उसी के अंदर यहाँ पर आपके जो आउटफिट्स वगैरह हैं वो रखे जाते हैं। तो गाइस ये सब इस गेम के छोटे मोटे फीचर्स हैं। अभी हम एक मैच को स्टार्ट कर लेते हैं, करते हैं प्रिपेयर फॉर ऑप्स पर क्लिक। तो गाइस यहाँ पर जो है आपकी ये हेल्थ दिखा रहा है, मतलब टोटली आपके शरीर में जहाँ पर भी कुछ डैमेज होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी करते हैं यहाँ पर इंटर एनी वे पर क्लिक एंड फाइनली हमारी जो मैचिंग है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर एक मैच में 336 लोग रहते हैं। करते हैं टैप टू रेडी एंड या अभी हम हो चुके हैं रेडी, हमारा जो गेम है वो जस्ट स्टार्ट होने को है। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं गेम के अंदर। इस वाले मैप का नाम है BAF फैक्ट्री। वैसे तो गेम के अंदर और कुछ मैप दिए गए हैं बट ये जो मैप है ये फर्स्ट मैप है। अगर आप स्टार्टिंग में खेलोगे तो आपको यही वाला मैप मिलेगा। करते हैं कंप्लीट पर क्लिक एंड बूम अभी आ चुके हैं गेम के अंदर हम। एंड देखो तो अभी कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे एंड यहाँ पर जो गेम के ग्राफिक्स हैं गाइज वो देखो कितने अच्छे हैं, मतलब रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं गाइज। जाहिर सी बात है भाई इतनी हैवी गेम है तो नेट एसी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और वैसे भी नेट एसी गेम्स के जो भी गेम्स होते हैं ना उसके जो भी ग्राफिक्स होते हैं बिल्कुल कमाल के होते हैं। फिलहाल ये एक एनिमी है जिसको हमने यहाँ पर नॉक कर दिया है और देखो कोई भी एनिमी अगर नॉक होता है उसका जो एनिमेशन है वो काफ़ी तगड़ा है। अगर इसके पास जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर एग्जीक्यूट करके एक ऑप्शन आएगा। और अगर जो आपने किसी को नॉक किया है तो ये नहीं है कि आप उसको अपने वेपन के थ्रू फिनिश कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी एनिमी को आपने नॉक किया है तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है आपको एक एग्जीक्यूट करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तभी वो जो एनिमी होगा ना वो मरेगा एंड उसके पास जो भी लूट होगी वो आपको मिलेगी। तो फिलहाल इसके पास कई सारे लूट है, मैं इसको यहाँ पर फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक गन भी है इसके पास, स्नाइपर गन है आई थिंक। ओके तो मैंने यहाँ पर इससे जो भी चीज़ें हैं वो मैंने ले लिए हैं। अभी मेरे बैकपैक में उतना स्टोरेज भी नहीं है तो आगे जाते हैं इस साइड, क्योंकि कुछ एनिमीज हो सकता है कि और आगे ये मिल भी गया एक, तो इसको पहले तो हेडशॉट दे के मारते हैं। ओके इसको भी मैंने नॉक कर दिया एंड अभी इसके पास जाएंगे तो या एग्जीक्यूट करके ऑप्शन इसके पास भी आएगा ऑब्वियसली, तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया एंड इसके पास ज़्यादा कुछ लूट थी नहीं। यहाँ पर एक पीपी गन है जो कि मैं भाई ऑब्वियसली ले ही लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसे ऑटो गन नहीं है। तो या मैंने पीपी गन ले ली और अभी देखो गाइस लेफ्ट साइड में ऊपर तो जो हमारा एक कैरेक्टर बना हुआ है इसका मतलब यही है कि जहाँ पर भी हमें डैमेज मिलेगा वो वहाँ पर वो जो पार्ट होगा ना वो हाइट हो जाएगा। अभी पूरा येलो येलो दिखा रहा मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके, ये देखो मतलब अगर हमारे शरीर में कोई भी डैमेज होगा या फिर कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर हमें इन्फॉर्म कर देगा कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको फिक्स करो। फिलहाल अभी तो कोई सुन नहीं है। देखो अभी तो आपके इस गेम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको भी समझाता हूँ कि आखिर में गेम के अंदर करना क्या है। देखो इस गेम में क्या है ना कि ये जो है एक सर्वाइवल वारफेयर जैसी गेम कुछ है। मतलब इसके अंदर करना क्या होता है कि ये जो आपका मैप है यहाँ पर आपको आना है, जो भी प्लेयर्स होंगे वो भी आएंगे, तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है ना कि लूट आपको कलेक्ट करनी है। जितनी ज़्यादा लूट आप कलेक्ट करोगे उतना ही वैल्यू आपको मिलेगा एंड जो भी लूट करोगे आप वो जो है वो जाकर अपने मेन सेल्टर में आप रख पाओगे कि आपने कौन सी चीज़ें लूट करी हैं एंड उन चीज़ों का यूज़ करके ना आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। बाकी ये जो गेट दिख रहा है आपका ये जो है आपका इस्केप एरिया है, मतलब जब आपका मिशन यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा ये जो दिख नहीं रहा आपको ये गेट ये जो है यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब जब ये स्काई ब्लू कलर का हो जाएगा तो आप इस एरिया से इस्केप कर पाओगे। देखो इस वाली गेम का जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा यूनिक है, तो आप फर्स्ट टाइम खेलोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने इस तरह की गेम खेली होंगी ना वो तो भाई इजीली इस वाली गेम का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो जाओ गाइस गेम की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं, गेम के अंदर स्मूथनेस भी अच्छी है, तो अभी कभी जाकर गेम को डाउनलोड करो। और हाँ जिनके पास एक लो एंड डिवाइस हो तो भाई इस वाली गेम को डाउनलोड ना ही करें क्योंकि ये जो गेम है गाइस काफी हैवी है। जिनके पास एक लो एंड फोन होगा उनके फोन में ये गेम काफी ज्यादा लाइक करेगी। तो बस गाइस आज की वीडियो बस ना ही, आई होप आपको ये वाली गेम और भी अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी ही नई नई गेम्स के बारे में और जानने के लिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग गेम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इज्जत। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।